हमारा आंवला, सेम और हरी मिर्च का अचार इंस्टेंट बनने वाला अचार बनकर रेडी है। और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है ना, बहुत ही यम्मी। देखिए, बहुत ही टेस्टी है ये अचार दिखने में। अब इसे 1-2 दिन धूप में रखेंगे और इसे 1 वीक तक आराम से खा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स किचन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, अब ठंड कुछ बढ़ने लगी है धीरे धीरे, तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मैं आपके साथ लाई हूँ आंवले का इंस्टेंट अचार। तो ये मैं सिर्फ आंवले से ही नहीं बनाऊंगी, मैं आंवले के साथ इसमें ये सेम भी डालूंगी और कुछ हरी मिर्च भी डालूंगी। मैं इन तीनों का मिक्स अचार आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? तो मैंने यहाँ पे कुछ आंवले लिए हैं और ये सेम है, फलियाँ जिसे बोलते हैं ये, और ये कुछ हरी मिर्च है और ये मस्टर्ड ऑयल है और कुछ मसाले हैं जो हर अचार में डलता है, जैसे कि ये नमक है, ये हल्दी पाउडर, ये मिर्ची पाउडर, ये अजवाइन और ये मंगरेल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आंवले और सेम को प्रेशर कुकर में 1 सीटी आने के लिए स्टीम कर दूंगी। जब तक हमारा आंवला और सेम कुकर में स्टीम लगा है, तब तक मैंने इस मिर्ची को बीच में से स्लिट कर लिया है। हमारे आंवला और सेम अच्छे से उबल चुके हैं। मैंने इसमें हल्दी और नमक डालकर इसे 1 सीटी लगाई थी और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इसे मैं ऐसे 4 पीसेस में कट कर लूँगी। मैंने आंवले को स्ट्रेनर से निकाल लिया है और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और ये सेम को भी निकाल लिया है। अब इन तीनों को मैं एक मिक्सिंग बाउल में एक साथ ही डालूँगी। ये आंवला डाला, ये सेम ऐड किया इसमें, ये हरी मिर्च ऐड की। अब हम ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे, जैसे नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, कलौंची और ये अजवाइन। अब हम ये मस्टर्ड पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे, ये मस्टर्ड ऑयल भी इसमें ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है और याद रखना है कि जो आंवला और हमने वो सेम उबाला था ना, उसमें से सारे पानी हमें जब अच्छी तरह से निकल जाए तभी ये अचार बनानी है। अगर आपको मेरा ये आंवला, सेम और हरी मिर्च का इंस्टेंट बनने वाला मिक्स अचार पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।